सो फ्रेंड्स, राइडिंग विद फ्रेंड्स के एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मनाली का बहुत सुंदर सा पैकेज, बहुत सस्ता पैकेज लेकर के आ गया हूँ। इस पैकेज की खास बात यह है कि 3 नाइट्स में आपको 3 जगह नाइट स्टे करने का मौका मिलेगा। और साथ के साथ इसमें फर्स्ट नाइट आपकी कैंप में, सेकेंड नाइट आपकी होटल में और थर्ड नाइट जो है आपकी इग्लू में होने वाली है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, ये जो पैकेज है उसमें 1 नाइट आपको इग्लू में नाइट स्टे करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। सो यार, पैकेज काफ़ी अच्छा खासा मैंने बनाया है, बहुत मुश्किल से मैंने बहुत अच्छे अच्छे रेट्स आप लोगों के लिए निकाले। तो यार, पैकेज को एक बार ध्यान से देखो। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और मेरे पास अभी मनाली के लगभग 50 अलग अलग तरीके के पैकेजेस पड़े हैं, तो धीरे धीरे मैं उन सबको चैनल्स पे अपलोड करूँगा। तो आप लोगों के सामने डे वाइज आइटनरी जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो हर पैकेज की तरह जो है हम डे वाइज आइटनरी के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं उन सबको जो है डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ मेरे साथ पैकेज को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिल्ली मनाली वोल्वो बस दिल्ली के लगभग 3 मेजर लोकेशन से चलती है, जिसमें कि आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन, मजनू का टीला और कश्मीरी गेट आते हैं। सो वोल्वो बस जो है वो लगभग 6 से 7 बजे के बीच इन मेजर लोकेशन से मनाली की तरफ निकलती है। धीरे धीरे ये बस जो है हरियाणा पंजाब होते हुए अर्ली मॉर्निंग हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हिमाचल में एंटर करते ही आप लोगों को जो है बाहर सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जो है फाइनली धीरे धीरे हमारी बस जो है मनाली के अंदर एंटर करती है। मनाली वोल्वो बस स्टैंड पे जैसे ही हमारी बस लगती है, बाहर हमारा ड्राइवर हमारी बस का इंतज़ार कर रहा होता है। अपना लगेज अपनी कैब में रखना है और जो है अपन को फर्स्ट डे कैंप की तरफ प्रोसीड करना है। कैंप पहुंचने के बाद आपको फर्स्ट डे अपना कैंप में चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद अपनी फर्स्ट डे की साइट सीइंग जो है वो स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डे की साइट सीइंग जो है हमारी इस पैकेज में रिवर राफ्टिंग के साथ स्टार्ट होती है। रिवर राफ्टिंग एक बहुत ही अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटी होती है जो कि करने में बहुत मजा आता है। आफ्टर डैट जो है हम लोग नागर कैस्टल की तरफ चलते हैं और वहाँ की लोकल साइट सीइंग करते हैं। नागर कैस्टल कुल्लू के महाराजाओं का जो है एक घराना हुआ करता था। आफ्टर डैट जो है हम अगेन अपने कैंप की तरफ लौट जाएंगे और इस दिन जो है हमारा कैंप में नाइट स्टे डीजे विद बॉनफायर के साथ होने वाला है। तो ये जो नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्साइटेड और मेमोरेबल रहने वाली है। तो सेकेंड डे की जो हमारी साइट सीइंग होती है वो एक कुल्लू के सोयल विलेज के ट्रैक के साथ होती है। ट्रैक जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर नज़ारों के बीच से होते हुए जो है आप सोयल ट्रैक करते हैं। सोयल ट्रैक पहुंच के जो हम विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ हम कुल्लू की जो लोकल लोग हैं, जिनको हम कुल्लूवी भी कहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को जानने का मौका मिलता है। आफ्टर डैट जो है हम लोग सोलांग वैली की तरफ प्रोसीड करते हैं। सोलांग वैली, बिल्कुल सोलांग वैली वही जगह है जहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी की हर एक आइस एक्टिविटी, हर एक स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग का भी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्यूब राइड का भी जो है इंजॉय कर सकते हैं। वापस आते टाइम जो है हम अटल टनल और शिशु विलेज को भी इसी दिन कवर करेंगे। सो डे 3 जो है हमारा होने वाला है वो है होटल के ब्रेकफास्ट के साथ। जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले होटल में ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद हम लोग जो प्रोसेस करेंगे वो करेंगे सेथान विलेज की तरफ। सेथान एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है मनाली की, जहाँ पे जो है इग्लू स्टे का जो सेटअप होता है वो किया जाता है। सो ये दिन हमारा होने वाला है इग्लू स्टे का, बिल्कुल। सो अब बारी है डे 4 की, जो कि हमारा डिपार्चर डे भी रहेगा। सो इस दिन फाइनली हम लोग अपने इग्लू से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम लोग मनाली की तरफ प्रोसेस करेंगे। मनाली लगभग सेजल विलेज से
लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है तो इसके अंदर लगभग हमें 1 घंटे का टाइम लगेगा। मनाली पहुंचने के बाद हम जो है मनाली की कुछ लोकल साइट सीइंग करेंगे, जिसमें अडिम्बा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल, क्लब हाउस, ओल्ड मनाली, मॉल रोड, ये 4 से 5 साइट सीइंग जो है हम मनाली लोकल्स में कवर करेंगे। आफ्टर डैट जो है वन विहार कवर करते हुए हम लोग फाइनली वोल्वो बस स्टैंड पहुंच जाएंगे, वहां से अपनी बस लेनी है एंड अगेन जो है मनाली को आखिरी बार बाय बाय करना है और दिल्ली की तरफ प्रोसेस करना है। सो आई होप ये वाला पैकेज आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, अगर किसी को भी कोई क्वेरी करनी है तो वो डायरेक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी बुकिंग्स या कोई भी डिटेल्स के बारे में जान सकता है।